ऑल गाइस, वेलकम टू अनदर जॉब अपडेट। तो बेसिकली IOCL का जॉब अपडेट है, तो लास्ट तक देखना है, पूरा आपको समझ में आएगा जो चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। तो पहले बात करते हैं स्टार्टिंग डेट। स्टार्टिंग डेट आज है, यानी कि आज सुबह 10 बजे से आप फॉर्म भर सकते हैं, दैट इज़ 20/12/2019। लास्ट डेट कब है आपका? 17। और पेपर कब होगा? 2 तारीख को, राइट। सैलरी कितना मिलेगा आपका? 25,000 से लेके 1,05,000 तक का आपका पे स्केलर सैलरी लगा लो, आपका अबाउट 50,000 से अबाउट मेरे हिसाब से होना चाहिए। बाकी डिटेल्स में यहाँ पर दिया नहीं गया है, कैसे बताऊँ आपको, बता नहीं सकता हूँ, राइट। अच्छा, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन का वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फीटर मैकेनिकल फीटर काम रीजर, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 2 वैकेंसी है, और जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन का कितना? 2 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी कितना हो गया गाइस? 37। 37 टोटल वैकेंसी है, राइट। सो ये भी आपको क्लियर हो गया, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट गाइस, क्या हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे को जानना है उसके बारे में। ये रहा गाइस आपके सामने टोटल वैकेंसी का जो डिटेल्स है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट। तो आपका पास क्या है, 3 ईयर्स डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल में, अगर BSc है वो भी फॉर्म इसको भर सकता है, और कितने मिनिमम परसेंटेज चाहिए? 50%, राइट। एक्सपीरियंस है यहाँ पर बोल रहा है कि 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके सामने कितना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, 3 ईयर्स डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, राइट। तो उसके बाद कितना चाहिए, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। तो जितना गाइस आपके दोस्त होंगे और आपको उनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है अपना डिप्लोमा, यू मस्ट टेल दम कि ये वैकेंसी आया है, काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। IOCL में जॉब करना बहुत अच्छी बात होती है, राइट। मतलब बहुत ज़बरदस्त कंपनी है इंडिया, खासकर वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, यू कैन से दैट। सो ये रहा जूनियर इंजीनियरिंग का है, और 3 ईयर्स इसमें क्या चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन इंस्ट्रूमेंटेशन से या इलेक्ट्रॉनिक से डिप्लोमा कर रखी है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक से, और 1 ईयर उसे क्वालिफिकेशन चाहिए मेंटेनेंस ऑफ मोडेम, उसके बाद DCS PLC इलेक्ट्रॉनिक फील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो उस वो एलिजिबल है इस जॉब के लिए, राइट। एज लिमिट की बात करते हैं गाइस, देखो एज लिमिट जो है 18 ईयर्स मिनिमम चाहिए, और मैक्सिमम कितना है, 26 ईयर्स। और आपका जो मतलब रेफरेंस जो मानेंगे क्या मानेंगे, 31/1/2020 को क्या मानेंगे, रेफरेंस मानेंगे इसको। आइए जानते हैं पूरा पे स्केल के बारे में जो इम्पोर्टेंट है, राइट। मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी पे स्केल कितना होगा, उस पर क्या मिलेगा आपको, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो। उस पर क्या मिलेगा गाइस, देखो बेसिक पे मिलेगा, और इंडस्ट्रियल पैटर्न ऑफ DA, डेयरिंग अलाउंस भी मिलेगा, HRA मिलेगा, सब्सिडाइज हाउसिंग एकोमोडेशन भी मिलेगा, लेकिन अवेलेबिलिटी होगा तब मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी, प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, ग्रेच्युटी, कंट्रीब्यूटी, प्रोविडेंट फंड, इंप्लॉयज पेंशन स्कीम, ग्रुप सेविंग्स, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, इंश्योरेंस, उसके बाद ट्रैवल कंसेशन, बहुत कुछ मिलता है भाई मेरे, बहुत कुछ इसमें। तो IOCL इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन इंडिया, यू कैन से दैट इन व्हेन इट कम्स टू PSU, राइट। सिलेक्शन कैसे होगा, रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी, फिजिकल टेस्ट, SPPT उनको बोल रहे हैं उसका होगा, राइट। जब शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा क्या करेंगे, 1:2 बंदे को बुलाएंगे वो बेसिकली, उसके बाद जॉब देंगे, राइट। तो ऐसे प्रोसेस लगभग सब जगह होता है, लेकिन वेरी करता है, कहीं ज़्यादा थोड़ा कहीं कम, ऐसे होता है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कहाँ से करें, देखो अप्लाई करने के लिए आपके पास पहले तो ईमेल एड्रेस होना चाहिए, और आपका क्या होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, देखिए IOC और recruit.in, यहाँ पर जाना है आपको, और इसका जो मेन PDF है इस नोटिफिकेशन का, मुझे पता है सारा चीज़ आपको मैं बता नहीं पाता हूँ, बिकॉज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो मैं क्या करूंगा, इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा आपका, राइट। और आफ्टर अप्लाइंग आपको क्या करना है, आपको भेजना है इस एड्रेस पर जो आपका फॉर्म होगा, प्लस प्लस क्या होगा इस बाकी असिस्टेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी भेजना है इसके अंदर, ताकि उनको पता लगे कि आप सही में एक्सपीरियंस वाले हो, शायद इसे लोग मंगवा रहे हैं, आई थिंक सो, राइट। और आपका फी कितना लगेगा, इस 150 रुपीज़ फी लगेगा, और STSC उसका तो आपका PWD वालों के लिए क्या है, फी देने का जरूरत नहीं है, उनके लिए फ्री है। एक बुरा रिक्रूटमेंट था गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक करें इस वीडियो को, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो एलिजिबल हैं, अगर आप एलिजिबल हैं फॉर्म जरूर भरें, मेरे हिसाब से 150 रुपया कुछ ज़्यादा बड़ी बात होती नहीं, यू कैन इजिली अफोर्ड दिस। और इसमें ट्रैवल कंसेशन मिलेगा आई थिंक STST वालों को, यस ट्रैवल कंसेशन भी है यहाँ पर, रिम्बर्समेबल ट्रैवल एक्सपेंसिस फॉर कैंडिडेट्स जो SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, राइट। चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट जॉब डेट्स में, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू सून। ठंड बहुत हो रही है भाई।